आज कैबिनेट बैठक में यह निर्णय भया कि मध्य प्रदेश के सचिवन खातिर अनुकंपा नियुक्ति दीन जई, 5,000 करोड़ के लोन लीन जई या उसे मध्य प्रदेश के ही जो सड़क है उनका सुधारी जई। आज मध्य प्रदेश के ही कैबिनेट बैठक संपन्न भय। नमस्कार, हम मृत्युंजय मिश्र कश्यप बघेली संवाद लेके आए हैं। मंत्रालय में ही मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ही आज कैबिनेट बैठक संपन्न भय। यह बैठक में ही सिंचाई और पीडब्ल्यूडी विभाग से संबंधित जौन योजना चलती ला गई, इन योजना का लाइके ही महत्वपूर्ण फैसला लीन गए। मध्य प्रदेश में ही जो सिंचाई चलती ला गई, जो सिंचाई परियोजना चलती ला गई, एक समय में पूरा करे खातिर बजट स्वीकृत किन गया है। ऐसे लगभग 2000 ग्रामीण क्षेत्र लाभान्वित हुई है। यह कैबिनेट बैठक में ही यह फैसला लीन गया कि जो डायल 100 के कॉल सेंटर है ओखर टेंडर 6 महीना आगे कह दीन गया। ओखर टेंडर समयबद्ध समय सीमा 6 महीना तक बढ़ाए दीन गई ही बे। भारत सरकार द्वारा 2.0 स्मार्ट सिटी योजना के शुरुआत की गई, जौने खातिर 135 करोड़ रुपया के बजट स्वीकृत के मंजूरी दे दी गई। जौने में ही मध्य प्रदेश के 18 शहरन के चयन की जाई और इन शहरन का ही स्मार्ट सिटी बनावा जाई। न्यायालय में काम करे वाले न्यायाधीशन का समय समय पर प्रशिक्षण दे खातिर जबलपुर में संस्थान बनावा जाई। यह संस्थान 500 करोड़ रुपये से बनी, ऐसे 500 करोड़ के बजट के स्वीकृत के दिन गहबे जजन का ही ट्रेनिंग दे खातिर यह संस्थान बनावे खातिर सचिवन का अनुकंपा नियुक्ति दे लीन गया है। मध्य प्रदेश के ही 10 सिंचाई परियोजना खातिर बजट स्वीकृत किए गए है। जौने में ही बुरहानपुर, विदिशा, सतना, पन्ना आदि चल रही सिंचाई परियोजना शामिल है। प्रदेश के ही अलग अलग जिलन में ही 3500 किलोमीटर के सड़क बनावे खातिर 5000 करोड़ के लोन लीन जाई और उसे 3500 किलोमीटर के सड़क बनाई गई। शहडोल जिला के ब्योहारी में ही 27 किलोमीटर के रिंग रोड बनाई गई, जो उनके 147 करोड़ के बजट या रिंग रोड खातिर स्वीकृत किए गए है। जबलपुर जिला में ही झूला पुल बनावा गई, जौने के मंजूरी दे दी गई ही। नीमच बाईपास के निर्माण हुई, जौने खातिर 11 करोड़ रुपया के स्वीकृत कर दी गई। बाईपास खातिर 11 करोड़ रुपया स्वीकृत कर दी जा चुकी है। अशोकनगर जिला में ही करीला मंदिर रोड बनवावे खातिर 135 करोड़ राशि के स्वीकृति दी गई ही। उज्जैन के जावरा रोड खातिर 5000 करोड़ के मंजूरी दी गई है। प्रदेश के शासकीय महाविद्यालय में जो कार्यरत प्राध्यापक हमा उनका 6वां वेतनमान स्कीम के तहत 10,000 रुपया दीन जाई। प्रदेश में ही पीपीपी मोड पर मेडिकल कॉलेज में ही इन्वेस्ट करे वाले लोगन का ही सरकारी जमीन उपलब्ध करवावा जाई। अगर कोई मेडिकल कॉलेज खोले चाहत है तो ओखर सरकार मेडिकल कॉलेज खातिर सरकार जमीन उपलब्ध करवाई। बहुत बहुत धन्यवाद। तैयार रहा आज के कैबिनेट बैठक में यमे के निर्णय लेंगे हमें।